हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आज फिर से स्वागत है। मैं आज ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए लेक्चर सेकंड लेकर आए हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में साइड के बारे में बता दिया था और ट्रायंगल का रिलेशन जो साइड से था वो बताया। आज मैंने इसका एंगल के बारे में बताएंगे कि किस किस एंगल का वैल्यू कितना होता है। रिलेशन जो 6 फंक्शन है उसमें कितना वैल्यू किस एंगल का होता है और कहां से कहां तक के एंगल का वैल्यू हम याद करेंगे, उससे अधिक क्यों नहीं करेंगे और कम क्यों नहीं करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमने बताए थे ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट लेक्चर में कि राइट एंगल ट्रायंगल पर रूल नियम को फॉलो करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो, तो एन टू एंगल अदर एंगल एक्यूट एंगल होता है। अर्थात एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। तो हम जितना भी वैल्यू इसमें निकालेंगे और जितना वैल्यू का मान निकालेंगे ये 6 रिलेशन के साथ, वो 0 डिग्री से बड़ा और 0 डिग्री और 90 डिग्री और 90 डिग्री से छोटा वैल्यू को हम बताएंगे। उससे ना अधिक बता सकते हैं ना कम बता सकते हैं। इसलिए नहीं बता सकते हैं कि हमने बार बार बता रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल पर आश्रित है और राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिसका मान 90 से बड़ा हो जाएगा। जब 90 से बड़ा होगा तो वो ट्रायंगल का रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ट्रायंगल का रूल है कि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, परंतु अधिक हो जाने के कारण एक कोण तो फिक्स है कि 90 होगा, अगर दूसरा कोण भी 90 से अधिक करते हैं तो दो ही एंगल मिलकर 180 डिग्री का वैल्यू प्राप्त करता है, ताकि ट्रायंगल का रूल फॉलो नहीं करेगा, एक एंगल ऐसा ही रह जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं और हम डीपली बताएंगे कि किस किस एंगल का कितना वैल्यू होगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एंगल आखिर इसमें है पढ़ना क्या। तो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक ही पढ़ना। अब बोलिएगा कि जब सर आप बोल रहे हैं 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो 22 डिग्री भी हो सकता है, 25 डिग्री भी हो सकता है, तो ऐसा डिग्री 10th में पढ़ने का नहीं है। चलिए 11, 12 आइए, सारा पढ़ने का है। 22 डिग्री, 7 डिग्री, 7.5 डिग्री, 5 डिग्री, 2.5 डिग्री, 2 डिग्री टोटल पढ़ना है और वो पढ़ना है क्लास 11th में आइए, 12th में आइए। तो हम 10th में है, इसीलिए 10th के लिए जो जो एंगल पढ़ना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बता रहे हैं हमें 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है, ठीक, 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है और 90 डिग्री का मान वैल्यू ज्ञात करना है। और देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 एंगल है और 6 रिलेशन है, अर्थात टोटल वैल्यू जो होगा हमको 6, 5, 30 30 वैल्यू हमको याद करना है। तो पहले हम बेसिक चलते हैं, आखिर वैल्यू आया कहां से, 0 का मान इतना ही क्यों होगा, उससे चलते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए तो एंगल के बारे में चल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के बारे में चल रहे हैं एंगल। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्री ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चलते हैं 45 डिग्री एट 45 डिग्री पे चलते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम पहले 45 डिग्री का एंगल ज्ञात करते हैं, वैल्यू ज्ञात करते हैं कि उसका कितना होगा, साइन 45 का कितना होगा, कॉस का कितना, टैन का कितना, कॉसेक का कितना, सेक का और कॉट का कितना। तो आइए 45 पे तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, बना लिया, इसे वैल्यू का ये राइट एंगल ट्रायंगल का नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ए पता नहीं चल रहा, ए ए बी सी हम जानते हैं कि एंगल बी राइट एंगल तथा 45 का जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं तब कोई एक एंगल 45 अपने मन से मानते हैं, तो ट्रायंगल का रूल से ए भी हो जाएगा 45, तब ना 180 हो जाएगा। चलिए तो हम इसका मान ज्ञात करते हैं।
जब यहाँ पे देखिए बेसिक क्या है कि 2 एंगल 45 45 है अर्थात 2 एंगल इक्वल तब 2 साइड भी इक्वल। आइसोसेलस ट्रायंगल का रूल है कि वैसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड यदि इक्वल हो तो उसके 2 एंगल सामने वाली बराबर होती है, या 2 एंगल बराबर हो तो उसके 2 साइड आपस में बराबर होती है। तो उसके लिए अगर चला जाए तो ए एंगल के लिए साइड ए बराबर और ए एंगल के लिए साइड ए बराबर, तब ए दोनों साइड आपस में बराबर है तो ए दोनों एंगल भी आपस में बराबर है। तो यदि हम इसे ए मान लें तो ये भी ए हो जाएगा। चलिए इसे ये माने तो ये भी ए, यहां लेट ए भी ए इसीलिए बी सी भी ए ही होगा, क्योंकि ए भी बराबर बी सी क्या चीज से, आइसोसेलस ट्रायंगल का रूल से। तो ये अब हमें ए सी पता नहीं है, इसे फाइंड करते हैं। तो फाइंड ए सी करते हैं तो पाइथागोरस यूज करते हैं। तो पाइथागोरस जब यूज करते हैं बोले थे ये देखिए 90 तो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है बी लिख देते हैं। चलिए ये बेस है, इन्हें समझिए। तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो जब हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर करते हैं तो हाइपोटेनियस तो हमें ज्ञात करना है और परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है ए, तो ए स्क्वायर प्लस बेस भी हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर। तो दोनों के अगर बराबर कर दें तो हो जाता है 2 ए स्क्वायर। ठीक, एच स्क्वायर है, हाँ यहां देखिएगा। यहां से अगर हम एच का वैल्यू निकाले तो इधर से स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा तो √2a² अगर इसे हटाएंगे तो √2 में रह जाएगा, लेकिन a का तो वर्गमूल जानते हैं कि हमें a होगा। चलिए अर्थात हम हाइपोटेनियस यहां जो था एच की जगह पर √2a मालूम हो गया। अब हमें 45 का मान निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। जैसे देखिए जगह कम है हम निकालते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले हम निकालते हैं साइन 45 का जब निकालते हैं तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर जब ई लीजिए चाहे ए लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 45 बोल रहे हैं कोई एंगल लीजिए। अगर ए लेते हैं तो परपेंडिकुलर है और ए भी लीजिएगा तो ए बन जाएगा परपेंडिकुलर, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है। तो ए लेते हैं तो ए बी बटा ए सी काहे की होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और ए बी का वैल्यू ए है और ए सी का वैल्यू 1/√2 आता है जी, 1/ अर्थात खाली √2a, ए से कैंसल। तो साइन 45 का मान 1/√2, कोई दिक्कत, ए से कैंसल 1 बचा, साइन 45 का मान 1/√2 तो 1/√2 लिख देते हैं। चलिए साइन का वैल्यू जब निकल गया तो कॉसेक भी निकलेगा। हम बताएं कि साइन का रिसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो जब ये 1/√2 तो कॉसेक हो जाएगा √2। चलिए अब हम कॉस का निकालते हैं। कॉस के निकालने के लिए हम थोड़ा इसे मिटा देते हैं ताकि जगह कम है। चलिए हाँ इसी से चलेंगे, ये है कॉस के जब निकालेंगे कॉस 45 डिग्री, कोई लीजिए कॉस बराबर हम जानते हैं यदि फिर यही लेते हैं तो परपेंडिकुलर था तो ये बेस हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा तो बी सी वाई हाइपोटेनस ए सी। हम जानते हैं कि बी सी का वैल्यू ए और ए सी का वैल्यू √2a, ए सी ए कैंसिल, ए भी बचा 1/√2। चलिए तो हमारा कॉसेक के भी वैल्यू आ गया 1/√2, तो कॉस के रिसिप्रोकल सेक होता है तो सेक का वैल्यू हो जाएगा √2। ठीक, अब हम चलते हैं टैन का निकालना है। तो टैन के लिए देखिएगा यहां पे देखिएगा टैन के लिए निकाल लेते हैं टैन 45 डिग्री,
तो 1040 भाग बराबर हम बार बार बताए हैं कि होता है डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ऐसे ना हो तो ऐसे निकाल लीजिए कि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर वाई बेस। तो परपेंडिकुलर अगर इसके लिए लेंगे तो परपेंडिकुलर ए बी, तो ए बी वाई बेस हमारा बी सी, बी सी और ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर बी सी अर्थात ए बी के जगह पर ए बी या ए बी सी के जगह पर भी ए बी लिख देंगे, वैल्यू मान पुट करने की जरूरत भी नहीं है, इसका मान आ गया वन। अर्थात टेन 45 डिग्री का वैल्यू वन होता है तो कॉट 45 का वैल्यू भी वन होगा, क्योंकि वन का रेसिप्रोकल उल्टा भी करेंगे तो वन ही आएगा। तो देखिए कितना अच्छे से हमने बता दिया कि टोटल ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 45 डिग्री का मान साइन का 1/√2, कॉस का 1/√2, टेन का 1, कॉस का √2, सेक का √2, कॉट का 1। अब हम चलते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री 12 बारी टोटल एंगल को बता देंगे। हाँ तो 45 हो गया, अब चलते हैं 30 और 60 डिग्री। तो उसके लिए अब चलते हैं एंगल 30 एंड 60 डिग्री के लिए। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं, पहले वैसा ट्रायंगल बनाते हैं जिसका एक कोण 60 होना बहुत जरूरी है। तो उससे अच्छा है कि हम ऐसो सेलस नहीं, उस समय तो ऐसो सेलस लिए थे, इस समय हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जब लेंगे, देखिएगा जगह कम है फिगर छोटा बनाते हैं। चलिए तो ए बी सी ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री। चलिए प्रत्येक एंगल 60 डिग्री। अब ये जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना दिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में तो राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होती है। तो हम बताए थे लेक्चर में कि इसे भी राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, किसी एक एंगल से किसी एक साइड पे परपेंडिकुलर डाल देंगे तो दोनों बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। अर्थात यदि हम इसे ए मान लें तो इक्विलेटरल है ए भी है, और ये पूरा हो जाएगा ए, लेकिन हाफ ए बाई टू और ए बाई टू हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब ये एंगल का भी डिवाइड किए हैं तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। अगर ना दिखता हो तो बार बार बोल रहे हैं, नोट कीजिएगा, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री डिवाइड किए तो 30 30, प्रत्येक साइड ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसे परपेंडिकुलर डाल दिया, इसे डी नाम दे देते हैं, तो ए हो जाएगा ए बाई टू, ए बाई टू टोटल का आधा आधा। अब हम ए ए और ए बाई टू, ए बाई टू हो गया, लेकिन हमें राइट एंगल ट्रायंगल में चलना है तो हम ट्रायंगल ए बी डी में चलते हैं। तो ए बी डी में चलेंगे तो हमें ए बी मालूम है, ए बी ए है, और हमें बी डी भी मालूम है, बी डी ए वाई टू है, लेकिन ए डी मालूम नहीं है, ए डी पहले याद करते हैं। और इसके लिए जब चले हैं तो हमारा ए भी है जो हाइपोटेनियस है, इसे बोल सकते हैं ए, और ये जो है हमारा बेस है इसे बी बोल सकते हैं, और ये जो हमारा था पी है लेकिन मालूम नहीं, तो पी निकाल लेते हैं यूज ऑफ पाइथागोरस, यूज ऑफ पाइथागोरस, जब पाइथागोरस जब करते हैं तो उन्होंने बताया था कि पाइथागोरस इस ट्रायंगल में चल रहे हैं तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें एच कौन है वो बता देते हैं, एच बोले ए है ए बी, तो ए बी का वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर बराबर पी, हमें याद करना है तो पी रह देते हैं, ए डी पी के जगह पर ए डी है, ए डी रह देते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस बी बेस VD है, तो VD का वैल्यू हमें मालूम है ए बाई टू, ए बाई टू के स्क्वायर। चलिए हमको AD तो ज्ञात करना, तो इसको इस साइड ले आते हैं तो ए स्क्वायर, और इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर बराबर ए डी स्क्वायर। जब इसे निकालेंगे तो देखिए इसे एलसीएम ले लेंगे, फोर का एलसीएम फोर, तो फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। यदि लिया जाए तो ये 3 ए स्क्वायर हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा बराबर ए डी स्क्वायर, 4 में से 1 एक 3 ए स्क्वायर।
अब हम आती ए डी बराबर, तो एस बार इधर चलाएगा, रूट में चढ़ जाएगा, तो ए डी बराबर हो जाएगा थ्री रूट ए बाई फोर का भी वर्गमूल ना ले निकालने, तो टू मतलब हमारा हो गया रूट थ्री बाई टू ए, ए डी निकल गया, ए निकल गया रूट थ्री बाई टू ए। चलिए अब हम निकाल लेते हैं आराम से वैल्यू। पहले साइन तीस का लेंगे तो ए एंगल से चलेंगे, सात का लेंगे तो ए बी एंगल से चलेंगे। तो हम निकालते हैं, देखिएगा हम निकाल रहे हैं जी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 30 के लिए ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डी, बी डी वटा ये परपेंडिकुलर, हाँ साइन के लिए परपेंडिकुलर और बी डी वटा हाइपोटेनियस, कारण हो जाएगा ए बी। चलिए वैल्यू अगर पुट किया जाए तो बी डी का मान ए बाई टू, ए बाई टू और ए बी का मान ए है, इसे इसे पलट देंगे तो ए बाई टू गुना कुछ नहीं तो वन, तो वन बाई ए से कट गया, यह आ गया वन बाई टू। तब साइन 30 का मान वन बाई टू होता है, रट जाना है, तो जब साइन 30 का मान वन बाई टू तो कौसे 30 का मान हो जाएगा टू, कहे कि रिसिप्रोकल है, उल्टा है। अब चलिए कॉस का निकाल लेते हैं, तो कॉस का निकाल लेते हैं, देखिए इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए कॉस 30 डिग्री, वैसे ही ए हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो हमें तो बेस लेना है, कॉस बराबर होता है बेस वाई हाइपोटेनियस, तो बेस ए भी हो जाएगा, ए भी हाइपोटेनियस बेस, बेस हमारा ए होगा, ए डी गलत है, हाँ उल्टा ट्रायंगल है इसीलिए, ए डी बेस हो जाएगा और हाइपोटेनियस ए भी हो जाएगा। तो ए डी का वैल्यू हमें मालूम है रूट रूट थ्री बाई टू ए, और ए बी का भी वैल्यू हमें ए मालूम है, तो यहां देखिए ए से ए कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा रूट थ्री बाई टू, तो कॉस 30 डिग्री का मान रूट थ्री बाई टू होता है। तो जब कॉस 30 का मान रूट थ्री बाई टू, तो सेक 30 का मान टू बाई रूट थ्री होगा, ठीक। अब हम चलते हैं टेन, तो टेन के लिए फिर यहीं पे निकालते हैं टेन, तो टेन 30 डिग्री, जब टेन 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो हम जानते हैं कि टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ए हो जाएगा परपेंडिकुलर बी डी, बी डी परपेंडिकुलर वाई बेस ए डी हो जाएगा, बी डी वाई ए डी। तो बी डी का वैल्यू ए बाई टू है तथा ए डी का वैल्यू रूट थ्री बाई टू है, रूट थ्री बाई टू ए है, इसे जरा देखिए ए बाई टू, इसे डिवाइड में है मल्टीप्लाई में करेंगे टू पर, बटा रूट थ्री ए नीचे, देखिएगा ए से ए कैंसिल, टू से टू कैंसिल, अर्थात बचा वन वाई रूट थ्री। चलिए तो देखिए टेन 30 का आ गया वैल्यू वन वाई रूट थ्री, तो टेन 60 का कितना मान आ जाएगा, 60 करें कॉट 30 का कितना वैल्यू आ जाएगा, जब टेन वन वाई रूट थ्री 30 का, तो कॉट रिसिप्रोकल तक खाली रूट थ्री। चलिए हमने 30 डिग्री का 30 डिग्री का वैल्यू याद कर लिया, अब चलते हैं 60 डिग्री, इसी फिगर से हो जाएगा, बस हम थोड़ा सा 30 के जगह पर 60 कर देंगे, फिगर सेम रहेगा, फिगर नहीं चेंज होगा, इसीलिए फिगर रहने देते हैं। चलिए अब 60, तो साइन 60, पहले चलते हैं साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए अब एंगल ए लेंगे, इसी ट्रायंगल में ट्रायंगल ए ही रहेगा, ट्रायंगल ए बी डी ही रहेगा, बस एंगल बी लेंगे, एंगल कौन लेंगे बी, क्योंकि बी के पर ही 60 डिग्री है, तो बी लेंगे, तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इसके लिए हो जाएगा ए डी, तो ए डी और बाई हाइपोटेनियस ए बी, ए बी, ए डी का वैल्यू रूट थ्री बाई रूट थ्री बाई टू ए है, और ए बी का वैल्यू ए है, तो देखिए ए से
ए से ए कैंसल, बच गया रूट थ्री बाई टू। तो साइन 60 का मान रूट थ्री बाई टू, तो कॉसेक 60 का मान हो जाएगा टू बाई रूट थ्री भी सिर्फ प्रोटन। चल अब हम कॉस का निकालते हैं, किसका निकालते हैं कॉस। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि कॉस 60 बेस वाई हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस हमारा बीडी है, तो बीडी, और हाइपोटेन्यूस हमारा ए बी है, तो ए बी। चल तो बीडी का वैल्यू ए बाई टू बटा ए बी का वैल्यू ए, तो देखिएगा ए से ए कैंसल, तो वन बाई टू, नीचे तो कैंसल कुछ नहीं बचा अर्थात वन बाई टू, तो कॉस 60 का वैल्यू हमारा आ गया वन बाई टू, तो सेक 60 का वैल्यू रिसिप्रोकल टू हो जाएगा। चलिए अब हम टेन का निकालते हैं, किसका निकालते हैं टेन का, टेन का फिर वही यहीं पे, तो टेन 60 टेन बराबर जानते हैं परपेंडिकुलर वाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर एडी, बेस हमारा बीडी है, ठीक। एडी का वैल्यू रूट थ्री वाई टू ए है बटा बीडी, बीडी का वैल्यू ए वाई टू है। चलिए तो ये हो गया रूट थ्री वाई टू ए मल्टीप्लाई में पल्टी करेंगे तो टू ऊपर बटा ए नीचे, ए से ए कैंसल, टू से टू कैंसल, बचा रूट थ्री, अर्थात टेन 60 डिग्री का वैल्यू रूट थ्री होता है, तो रूट थ्री। लेकिन इसी का रिसिप्रोकल कर दें तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू वन वाई रूट थ्री होता है, ठीक। तो हम 60 का बता दिए, अब बचा 0 और 90, वो भी बताते हैं। चलिए इसे इरेज करते हैं, 0 डिग्री ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए 0 डिग्री क्या, तो वैल्यू जब 0 डिग्री एंगल 0 डिग्री के लिए चलते हैं, तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, हमारा ए हो गया ए बी सी, ए 90, इसे अगर माने कि 45 डिग्री है, इसको मान लेते हैं कि 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री है, लेकिन हमें इसे 0 डिग्री बनाना है, तब 0 डिग्री का वैल्यू निकलेगा। तो इसे 0 डिग्री बनाने के लिए हम इसको देखिए क्या करते हैं, ट्रायंगल को ए, पहले जो ए था साइड ए सी, ए को हम धीरे धीरे बी के क्लोज लाते हैं, बी को क्लोज लाते हैं, अर्थात अब ए यहां चला गया बी सी, तो पहले ही 45 डिग्री था, अब एंगल घट गया। एक ऐसा स्थिति आ सकता है या ले आते हैं वैसा स्थिति कि ये जो था ए सी, ए जो था बी, ये जो ए था ए भी इसी के नजदीक आ गया, बी के नजदीक, अर्थात इसी पर आ गया, और ये एंगल जो यहां बना रहा था वो धीरे धीरे 0 डिग्री कर दिया, और ए और बी क्लोज हो गया, तो एंगल सी 0 डिग्री। जब दो साइड आपस में जुड़ जाए तो वो तो 0 डिग्री बना ही देगा, गैप रहता तब ना एंगल बनता है, जैसे ऐसे रहा तो ये एंगल बना रहा, ऐसे हो गया एंगल छोटा, ऐसे होते होते दोनों ऐसे हो गया, 0 डिग्री हो गया इसके भी। तो उसी प्रकार अब ए जो है 0 डिग्री बन गया, अर्थात हमारा ए बी के बीच अब दूरी नहीं रहा, अर्थात ए बी को जब वैल्यू ज्ञात करें तो ये 0 हो गया। और बी सी, तो देखिएगा ए सी जो है वो आ गया बी पे, तो जो ए सी के डिस्टेंस था वो हो गया बी सी के इक्वल टू, तो ये बी सी बराबर ए सी हो गया, बी सी इक्वल टू ए सी हो गया। चलिए और एंगल सी बोल रहे हैं कि अभी 0 डिग्री बन गया, क्योंकि एंगल सी इसलिए 0 बन गया कि जो सी यहां ए पर मिल रहा था और ए यहां आ गया बी के साथ, ए के साथ था तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा था, लेकिन ये गिरते गिरते बी के नजदीक आ गया तो ये 0 डिग्री हो गया, तो एंगल सी हमारा हो गया 0 डिग्री। अब देखिए हम आराम से सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकालते हैं वैल्यू, तो पहले चलते हैं साइन जीरो, तो हमारा सी 0 है, सी के लिए लेंगे तो ए बी परपेंडिकुलर होगा, तो ए बी बटा हाइपोटेनस तो ए सी रहेगा जो बी सी के इक्वल है, तो
एवी के जगह बेबी बाई एसी, एसी के जगह पर हम बीसी लिख सकते हैं क्योंकि एसी बीसी के इक्वल है। अब चलिए एवी का वैल्यू जीरो है, क्लोज है, तो जीरो बट्टा बीसी का वैल्यू नहीं तो बीसी, कोई वैल्यू आ जाए जीरो से जब डिवाइड देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक, तो साइन जीरो के मान जीरो हो गया, और जब इसी को रिसिप्रोकल करेंगे कॉसेक जीरो का मान तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो कैसे, किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर नॉट डिफाइंड अर्थात अनडिफाइंड होता है, जैसे इन्फिनिटिव करते हैं इसे सूचित करते हैं। कहूं कहूं क्वेश्चन में नॉट डिफाइंड के जगह पे इन्फिनाइट लिखा रहेगा, ये भी दे सकते हैं। अब चलिए कॉस जीरो, कॉस जीरो के लिए चलेंगे तो फिर सी के लिए चलेंगे, सी जीरो बन गया है, तो कॉस के लिए बेस वाई हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस बी सी हाइपोटेन्यूस ए सी है, लेकिन ए सी भी बी सी के इक्वल है तो यहां बी सी लिख देते हैं, ए सी के जगह पे कट गया, बराबर आ गया ओवर, अर्थात ए जी ओ वन बी सी बी सी कट गया वन, अर्थात कॉस जीरो का वैल्यू ओवन, तो कॉस जीरो देखते हैं यहां ओवन, लेकिन कॉस का रिसिप्रोकल से तो कॉस ओवन, तो रिसिप्रोकल ओवन को भी करेंगे तो वन ही प्राप्त होगा, तो सेक भी ओवन। अब हम टेन निकालते हैं, टेन जीरो, तो हम जानते हैं कि टेन जीरो बराबर लिख सकते हैं साइन जीरो बटा कॉस जीरो, हाँ बता दिए हैं, तो साइन जीरो के मान जीरो बटा कॉस जीरो के मान ओवन, अर्थात किसी भी संख्या में जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो हो जाएगा जीरो, तो टेन जीरो जीरो, लेकिन कॉट जीरो पे बात किया जाए तो कॉट जीरो रिसिप्रोकल होता है, अर्थात एफ प्लाट देंगे तो वन बाई जीरो किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पे नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन हो गया। अब हम चलेंगे 90 के लिए, हाँ तो अब एंगल 90 डिग्री बचा, अब एंगल जो बचा वो 90 डिग्री बचा के लिए, तो एंगल 90 डिग्री के लिए चलेंगे, तो हम पहले एंगल एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए मान लिया ये है ए बी और ए सी, हमें 90 लाना है, अर्थात जो एंगल है ये बी के नजदीक ले जाएंगे, तो नियरेस्ट ले जाएंगे ताकि एंगल सी भी एंगल बी बन जाए, तब बी 90 तो सी भी 90, तो इसको नियरेस्ट ले जाने के लिए देखिए पहले हम थोड़ा सा नियरेस्ट ले जाते हैं। चलिए ए था, ए बी था और अब सी यहां, अर्थात अब देखिए एक बार जब नियरेस्ट और ले जाते हैं तो ए बी और सी भी यहीं पे आ गया बी पॉइंट पे, अर्थात 90 बन गया। तो देखिएगा ए सी जो पहले था वो आ गया बी के क्लोज भी, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए सी, तो यहां लिखेंगे ए बी बराबर हो गया ए सी के, क्योंकि ए सी भी आ गया ए बी पे और बी सी के बीच अब कोई डिस्टेंस नहीं है तो बी सी हो गया जीरो। ठीक, अब हम जब बी सी जीरो ए बी बराबर है ए सी के तो वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो पहले साइन 90, तो साइन 90 के लिए पहले बोले हैं कि हमने सी को बनाया है 90, तो सी को ले चलेंगे, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस, तो इसके लिए चलेंगे तो हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ए सी। अब देखिए ए बी ए सी के बराबर है तो या तो ए बी का वैल्यू ए सी रख दीजिए या ए सी का वैल्यू ए बी रख दीजिए, तो हम ए बी का वैल्यू ए सी रख देते हैं और नीचे भी ए सी कट गया, बराबर आ गया ओवन, अर्थात साइन 90 का वैल्यू ओवन होता है, साइन 90 का वैल्यू ओवन, तो रिसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक 90 का भी वैल्यू ओवन ही होगा रिसिप्रोकल करने से। अब हम कॉस में चलते हैं, तो कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए कॉस के लिए ए बी सी ले लेंगे, बेस वाई हाइपोटेनियस होता है तो बी सी वटा हाइपोटेनियस ए सी हो गया, तो बी सी का वैल्यू देखिए जीरो, तो जीरो वाई ए सी, जीरो में भी किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा जीरो ही प्राप्त होगा, अर्थात कॉस 90 का वैल्यू जीरो, तो
cosec 90 का वैल्यू इसका रिसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड. जब नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो चलेंगे tan 90 का वैल्यू. क्या चीज का चलेंगे? tan 90. तो tan 90 का वैल्यू जानेंगे कि होता है sin 90 वटा cos 90. ठीक. तो sin 90 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0, अर्थात 1/0. किसी भी संख्या में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जिसे इनफाइनाइट कहते हैं. तो ए हो गया किसी भी संख्या में, हाँ तो ये हो गया नॉट डिफाइंड. टेन करने क्या दिया, इसे कहेंगे नॉट डिफाइंड. चलिए जब ए नॉट डिफाइंड तो जब कॉट का वैल्यू निकालेंगे तो रिसिप्रोकल करेंगे, तो रिसिप्रोकल ये हो जाएगा 1/0 है, ये हो जाएगा 0/1. तो जब संख्या 0 से भाग देंगे, संख्या में जब संख्या में 0 से भाग देंगे तो नॉट डिफाइंड, लेकिन जब 0 में संख्या से भाग देंगे तो 0. तो हमारा कॉट का वैल्यू 0 आ गया. अब देखिए इतना हम बेसिकली बताए, अब ट्रिक जो आता है टिकटॉक की तरह ट्रिक 30 सेकंड में खत्म, वो भी हम बता देते हैं. बस देखिए इसे बताया तो कितना आप सब अच्छा को बहुत बेकार लगता है कि इतना याद करें, 30 को वैल्यू कैसे याद करें. तो हम इसके लिए टिकटॉक की तरह जैसे 30 सेकंड का वीडियो पूरे 6 मिनट के वीडियो को फ्रेम कर रहा, उसी तरह हमें जो 20 मिनट का लेक्चर दिए उसको 30 सेकंड में हम टिकटॉक की तरह फेल कर देते हैं. तो चलिए हमने ट्रिक बताते हैं. तो ट्रिक के लिए बताते हैं, पहले 0 है तो 0 से स्टार्ट कीजिएगा. 0, 1, 2, 3 और 4. 4 प्रत्येक को 4 से डिवाइड कर दीजिए, प्रत्येक को 4 से डिवाइड कर दीजिए. डिवाइड कर दिए, चलिए जो कटता उसे काट दीजिए. जैसे 2 2 4, ये 4 से 4 कट जाएगा 1. अब प्रत्येक पर स्क्वायर रूट चढ़ाइए तो 0/4 0, स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए 0 हो जाएगा. डायरेक्ट देखिए 0/4 0, इस पर स्क्वायर रूट चढ़ाइएगा 1/4, इस पर स्क्वायर रूट चढ़ाइए 1/2, इस पर स्क्वायर रूट चढ़ाइए 3/4, और इस पर स्क्वायर रूट चढ़ाइए 1 होगा, ताकि कट गया 1 मतलब. चलिए तब देखिए 0 ये 1/4 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ताकि 4 का स्क्वायर ई करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, ताकि 2 का कोई वर्गमूल नहीं, परफेक्ट स्क्वायर. और ये करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ताकि 4 का स्क्वायर 2 और ये 1 का रूट होगा. अब देखिए इसे वैल्यू पुट कर देना है. तो देखिए साइन 0 के लिए 0 है कि नहीं, 1/2 आया कि नहीं, 1/√2 आया कि नहीं, 60 के लिए 1/√3/2 आया कि नहीं, और 90 के लिए 1 आया कि नहीं. अब कॉस का जब निकालना रहे तो इसे पीछे से लिखिए, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0 मैच कीजिए, सही है. जब आप टेन निकालना चाहिएगा तो साइन बटा कॉस टेन जानते हैं, साइन बटा कॉस टेन जानते हैं. तो देखिए साइन बटा कॉस बराबर टेन, तो 0/1 बराबर क्या होगा 0, और इसको इसको बटा करेंगे तो देखिए 2 से 2 कटेगा तो बचेगा 1/√3. जिसे दिखा देते हैं, आप लोग का विश्वास नहीं हो रहा, देखिए दिखा देते हैं. टेन जब टेन निकालेंगे 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान कितना 3/2. इसे करेंगे तो 1/2 × 2/√3, 2 से 2 खत्म, 1/√3 आ गया कि ना 1/√3. उसी प्रकार इसको जब करेंगे तो ये तो कट जाएगा 1/2 1/2 1 आ जाएगा. उसी प्रकार इसे करेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो बचेगा 2 2 कट जाएगा तो √3. और ये देखिए ये आ जाएगा 1/0, तो क्या हो जाएगा, जब 1/0 तो हम बना रहे 0 में जब किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो नॉट डिफाइंड, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड. सब मिल रहा होगा, मैच कीजिएगा. उसी प्रकार कॉसेक में आइए, कॉसेक तो हम जानते हैं साइन क्या रिसिप्रोकल है, तो ये 0 है, 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड. चल इसमें आएंगे तो 1/2 2 हो जाएगा, 1/√2 √2 हो जाएगा, √3/2 2/√3 हो जाएगा. और इसमें आएंगे तो 1/1 की रिसिप्रोकल करेंगे 1 आएगा. उसी प्रकार सेक, सेक कॉस के उल्टा, 1 का उल्टा 1, इसको उल्टा करेंगे 2/√3, इसे उसको उल्टा करेंगे √2, इसको उल्टा करेंगे 2, और इसको देखिए इसको जब उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइंड प्राप्त होगा.
क्योंकि ये हो जाएगा 1/0, तो नॉट डिफाइंड। मिल रहा ना? चलिए कॉट क्या आएंगे तो 10 का उल्टा, तो 10 का उल्टा इसको करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा 1/0, तो नॉट डिफाइंड हो गया। चलिए अब इसको जब उल्टा करेंगे तो √3 बन जाएगा, इसका उल्टा भी करेंगे तो 1, और इसे उल्टा करेंगे या तो √3 है, 1/√3 हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड को उल्टा अर्थात कहने का अर्थ हो जाएगा 0, तो यह हो गया 0। इसमें अगर साफ से पता नहीं चल रहा तो ये हमने चाप दिए हैं, बस इसे हम ट्रिक दिए हैं कि पहले 0, 1, 2, 3, 4 कर दीजिएगा, उसे 4 से डिवाइड कीजिएगा, उस पर स्क्वायर रूट चढ़ाइएगा और वर्गमूल निकाल लीजिएगा, वही वैल्यू साइन का निकल जाएगा। कॉस के लिए पीछे से उल्टा लिख दीजिएगा और टेन के लिए साइन बटा कॉस कर दीजिए और बाकी का रेसिप्रोकल निकाल दीजिए और ये वैल्यू हमारा 30 वैल्यू है। देखिए 6 रिलेशन और सभी रिलेशन को 5 वैल्यू, तो 30 वैल्यू याद कर दीजिएगा, रट जाइएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं। हमने ये लेक्चर पूरा कर दिया।